हेलो दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार सिंह टीकी मैच में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों जो कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस से जो बेस्ट 30% का सीरीज चला रहे थे या यू कहेंगे कर रहे थे, वो उसका ये पार्ट 3 वीडियो है। सॉरी पार्ट 3 मैंने अपलोड ऑलरेडी कर रखा है, ये पार्ट 4 वीडियो है, ठीक है। और पार्ट 3 में मैंने 1 से लेकर 15 तक 5-5 के सेट में करवा रखे हैं। यहाँ पे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन से, जो क्वेश्चन नंबर 16 होगा हमारा, वहां से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 16 है वो क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है वो बोल रहा है कि कोई एक व्यापारी है, ठीक है, वो 25% डिस्काउंट देने का घोषणा करता है और जो खरीदार है वो चाहता है कि 400 रुपए का डिस्काउंट उसको मिले, ठीक है। अगर हर एक वस्तु का, यहां पे बोला है कि वो वस्तु कुछ नहीं शर्ट है, तो हर एक शर्ट का जो मूल्य है वो 320 रुपए करके पर पीस है, ठीक है। तो टोटल उस खरीदार ने कितने शर्ट खरीदे हैं। तो देखिए पहला तो ये कि सिंपल सा बोल रहा है कि कितना का छूट दे रहा है, वो 25% का छूट दे रहा है, ठीक है। 25% का छूट दे रहा है ना, ये तो प्रतिशत में छूट है और रुपए में छूट किसके बराबर है, 400 रुपए के बराबर है। तो ये भी छूट तो आपस में बराबर नहीं हुआ। हाँ बराबर है, क्योंकि ये भी छूट है ये भी छूट है, दोनों आपस में बराबर ही है। अब दोनों आपस में बराबर है यानी क्या बोलेंगे, 25% बराबर है 400 का, तो 100% कितने का बराबर होगा। 100% क्यों नहीं है 100%, क्योंकि कोई भी जो सामान होगा जो खरीदा था वो अपने आप में 100% होगा, तो 100% किसके बराबर होगा पता नहीं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्या करेंगे कि यहां पे 400 × 100/25 काटिए इसको, 25 से कट जाएगा ये 16 बार में, मतलब आपका आ गया 1600 रुपए। मतलब टोटल जो शर्ट खरीदा कितने रुपए का, 1600 रुपए का, ठीक है, 1600 रुपए का शर्ट खरीदा। अब वो पूछ रहा है कि टोटल कितना शर्ट, ये 1600 रुपए का शर्ट खरीदा लेकिन टोटल नंबर ऑफ जो शर्ट है वो कितना खरीदा, जो शर्ट की संख्या वो कितना है। तो एक शर्ट का मूल्य भी हमको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 320 रुपए। जब 320 रुपए दिया हुआ है, ठीक है, जब एक शर्ट का मूल्य आपको पता है और टोटल शर्ट का मूल्य भी पता है, तो टोटल शर्ट के मूल्य में हम एक शर्ट के मूल्य से अगर भाग कर दे तो नंबर ऑफ शर्ट नहीं निकल जाएगा। तो हाँ दोस्तों आराम से निकल जाएगा यहाँ पे। तो क्या कीजिए आप, 1600 में भाग दे दीजिए 320 रुपए, ठीक है, 320 रुपए। तो आप जिस जो कट करेंगे यहाँ पे, 16 से कटेगा ये 2 बार में, यहाँ पे 10, 2 से कटेगा ये 5 बार में, मतलब क्या है 5 शर्ट जो है वो खरीदा था। तो बहुत ही आसान है, आई होप दोस्तों ये आप ओरली भी कर सकते थे, इतना कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। आपको पता है 25% बराबर है 400 का, तो 100% कितने के बराबर होगा, निकल जाएगा 1600। अब ये 1600 जो टोटल शर्ट का मूल्य था, 1600 में आप 320 रुपए जो हर एक शर्ट का दाम था उससे भाग देंगे तो नंबर ऑफ शर्ट आ जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये SSC 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो बोल रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो उत्तरोत्तर बट्टे देता है, ठीक है। यदि किसी वस्तु को, थोड़ा मिस्टेक है, के नहीं होगा यहाँ पे, को होगा, ठीक है, तो को क्या बोल रहा था, यदि किसी वस्तु को उसे 108 रुपए में मिले हो तो उस वस्तु पे जो अंकित मूल्य था वो एक्चुअली में कितना था। क्वेश्चन में फिर समझा देता हूं कि कोई वस्तु है, ठीक है, उस पर कुछ अंकित है, पता नहीं कितना अंकित है, लेकिन उस वस्तु पे एक खरीदार को दो छूट मिलता है, ये उत्तरोत्तर छूट होता है, एक 20% का और एक 10% का। तो छूट के बाद उसे कितना रुपए में वो वस्तु मिलता है, 108 रुपए में। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि उस वस्तु पे एक्चुअली में अंकित कितना किया गया था, मतलब कितना मार्क किया हुआ था, ठीक है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, आप इस तरह के क्वेश्चन में होल वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। अगर आपको नहीं आता ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट, एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट है और न्यू कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने बहुत ही अच्छी ढंग से पूरे एक ही वीडियो में कवर कर रखा है, उसे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए, ठीक है। और ये आपको तो फिर ये अच्छा से समझ में आएगा और काफी टाइम बचता है दोस्तों इस कॉन्सेप्ट से। तो चलिए दोस्तों ज्यादा बात नहीं करते, इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। तो बोला क्या है कि कितना छूट, दो छूट, एक
अंकित मूल्य पे, तो अंकित मूल्य कितना है पता नहीं, फिलहाल तो मान लेते 100%, क्योंकि कोई वस्तु आपस में 100% ही होता है, तो 100% है या मान लेते 100 है। अब इसमें क्या हुआ, दो छूट है, तो दो छूट का होल वैल्यू निकालेंगे, एक 20% है तो 20% का होल वैल्यू क्या हो जाता है 4/5। चलिए एक दिखाई देते हम इस वीडियो में दिखा देते कि कैसे होल वैल्यू निकालते कैसे। देखिए 20% था ना, तो ये 20% इसको पहले फ्रैक्शन में लिख लीजिए आप, क्या लिखेंगे हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, कटकुट क्या आएगा 1/5, फ्रैक्शन में 1/5 आएगा, अगर आपको आता होगा इतना तो। उसके बाद अब देखिए चूंकि छूट दे रहे हैं तो देखिए जब भी घटे तो घटाएंगे, जब भी बढ़े तो बढ़ाएंगे, मतलब छूट यानी घट रहे तो यहां से घटाएंगे, 5 से 1 घटाएंगे कितना आएगा 4/5 में जो 5 है उसको 5 ही रहने देंगे, तो बस यहां पर लिख लीजिए 4/5। एक छूट का होल वैल्यू आप जो 100 से उसको गुणा कर दिया, अब दूसरे का, दूसरे कितना है 10% है, उसका होल वैल्यू क्या आएगा 9/10, ठीक है, वो आप आई होप आप खुद ही निकालेंगे, तो गुना कीजिए 9/10 से। अब इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा आपका आंसर, काट लीजिए इसको, 10 से कटेगा ये 110 बार में, 5 से कटेगा ये 2 बार में, गुना कीजिए करेंगे तो आ जाएगा 9 चौक 36, 36 × 72 मतलब 72%, यानी जो मूल्य जो वस्तु उसको मिला वो 72% पे मिला, लेकिन एक्चुअली रुपए में कितना में मिला 108 रुपए पे। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, रुपए में अगर बात करें तो 108 रुपए में मिला उसको, ठीक है, प्रतिशत में बात करें तो 72% नहीं मिल गया, जो आपका जो अंकित मूल्य था अगर 100% था तो छूट के बाद उसको 72% में ही वो वस्तु मिल गया, और रुपए में बात करें तो वो 108 रुपए में मिला, तो बस ये भी वस्तु का मूल्य और ये भी वस्तु का मूल्य दोनों आपस में बराबर। तो आपसे पूछा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य तो आप माने थे 100, तो 100% कितने का बराबर हो जाएगा, बस पता नहीं कुछ नहीं, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहां पर होगा 108 × 100/72। तो आप इसको काटे कैसे काटेंगे, तो देखिए यहां पे आप सिंपली छोटे नंबर से भी कर सकते हैं, जैसे 2 से करने स्टार्ट कर दे इसको, ये कट जाएगा 36 बार में 72, 2 से कट जाएगा ये 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 8, अब देखिए फिर 2 से काट देंगे इसको, ठीक है, या फिर 18 से काट दीजिए, 18 × 2 = 36 और 18 = 54, आपके पास कितना बच गया ऊपर 300, नीचे कितना बच गया 2, अब फिर 2 से 300 को काटेंगे तो कितना 150। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस वस्तु पे कितना अंकित था, उस वस्तु पे अंकित जो था वो था 150 रुपए, आपका यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन बोल रहा है कि कोई भी नहीं दोस्तों, सिंपल कोई एक व्यापारी है जो कि 25,000 रुपए अंकित वाली एक वस्तु पे 2 करोड़वार छूट 20% और 5% के करोड़वार छूट के बाद उस वस्तु को वो खरीदता है, ठीक है, खरीदने के बाद उस पे वो मरम्मत के रूप में 1,000 रुपए अलग से इन्वेस्ट करता है, करने के बाद उसे वो 25,000 रुपए में बेच देता है, तो उस जो व्यक्ति है या उस व्यापारी को लाभ या हानि क्या हुई है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे इस तरह के क्वेश्चन को, बहुत ही आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे और आपका आंसर निकल आएगा। तो देखिए 25,000 रुपए अंकित मूल्य था उस पर, लेकिन वो छूट पे खरीदते हैं, अंकित मूल्य तो था आपको 25,000 रुपए, लिखने से थोड़ी ना होता है, इसपे क्या है 25, दो छूट है, एक 20% का और दूसरा 5% का, तो दोनों का होल वैल्यू से गुना करेंगे, पहले कितना 20%, तो इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा 4/5, फिर 5% इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा 19/20, आई होप आपको होल वैल्यू निकालना आता होगा, नहीं आता होगा तो फिर से दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप जाके जो डिस्क्रिप्शन है या मेरा जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो बस अब इसको सॉल्व कीजिए, तो ये कितना बार में कटेगा, देखिए 5 से कटेगा ये 25 कटेगा 5 बार में, ठीक है, अब देखिए ये 3 जीरो ऊपर आ गया, अब ये 1 जीरो 1 जीरो कैंसिल हो गया, फिर 2 से कटेगा ये कितने बार में 250 बार में, मतलब
दो से कट जाएगा ये 500 कितना 250 बार में। अब जब इसको गुना करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 19,000 रुपए। पता ये 19,000 रुपए क्या आया, ये 19,000 रुपए जिस जो रुपए वो पे करके उस 25,000 रुपए अंकित वाला जो वस्तु था उसको वो खरीदा। तो देखिए ये जो 19,000 रुपए है ये क्या उसका क्रय मूल्य हुआ, नहीं ये क्रय मूल्य नहीं हुआ क्योंकि वो 1,000 रुपए और इस पे इन्वेस्ट करता है। तो और आप क्या कीजिए 1,000 रुपए इस पे एड कर लीजिए तो आपके पास कितना आ गया 20,000 रुपए। ठीक है तो ये जो 20,000 रुपए है यही क्या हुआ उसका क्रय मूल्य हुआ। ठीक है 20,000 रुपए क्या हुआ उसका क्रय मूल्य हुआ। अब देखिए वो उसको कितना है बेच रहा है, इसको कितना है बेच रहा है, अच्छा मैं यहां पर लिख देता हूं ये उसका सीपी हो गया। अब बेचा कितना पे 25,000 रुपए में बेचा, मतलब एसपी कितना हो गया 25,000 रुपए। तो आप ही बोलिए उसका फायदा कितने रुपए का हो गया, 5,000 रुपए का ना, कितना का फायदा हो गया 5,000 रुपए का। तो बस जो प्रॉफिट प्रतिशत निकालना होता है कैसे निकालते हैं हम लोग, कुछ नहीं जो प्रॉफिट ऊपर लिखेंगे 5,000 रुपए कितना के ऊपर क्रय मूल्य के ऊपर, तो क्रय मूल्य कितना 20,000 रुपए और चूंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना आप कर दीजिए 100 से गुना काटिए यहां पे 3,0 3,0 कैंसिल 1,0 इधर से 1,0 इधर से कैंसिल फिर 2 से कटेगा ये 5 बार में तो बचे 25 मतलब 25% का उसको फायदा हो गया। ठीक है आई होप समझ में आया होगा, ये भी क्वेश्चन आसानी था कुछ हार्ड था नहीं। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। तो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ठीक है इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 4 बोलिए या फिर जो टोटल सीरीज है उसका ये हो जाएगा आपका कितना 19 नंबर क्वेश्चन। ठीक है क्या बोल रहा है देखते हैं। अच्छा बोल रहा है कि किसी कमीज तथा पैंट का जो अंकित मूल्य है वो किस अनुपात में है, 1:2 में है। ठीक है उसके बाद दुकानदार कमीज पर 40% छूट दे रहा है ठीक है तथा कमीज और पैंट, ध्यान से दोस्तों यहां पर ये पॉइंट हाईलाइट करने वाला है कि कमीज और पैंट पे कितना का छूट दे रहा है, 30% का छूट दे रहा है। ठीक है तो अब पूछ क्या रहा है आपसे कि पैंट पर दी गई छूट कितनी थी, सिर्फ पैंट पे जो छूट था वो कितने का था। देखिए आप कैसे करेंगे, देखिए जो पैंट को पीस लिखते हैं और शर्ट को एस से लिखते हैं ठीक है तो मान लेते एस और पी, ये एस क्या है शर्ट और ये पी क्या है पैंट। ठीक है किस अनुपात में दिया हुआ है, 1:2 मतलब 1:2 क्या का है ये है उसका मूल्य का ठीक है अंकित मूल्य का। तो हम एक काम क्या करेंगे सिंपल सा, देखिए जब प्रतिशत में है ना आप क्या कीजिए कोई भी एक नंबर से दोनों को गुना कर सकते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या करते हैं 100 से दोनों गुना कर लेते हैं तो शर्ट का कितना आ जाएगा मूल्य 100 रुपए मान लेते हैं और पैंट का कितना आ जाएगा 200 रुपए। अब देखिए जो शर्ट है इस पे वो कितना रुपए का छूट दे रहा है 40% का, मतलब कितना में बेचेगा वो, कितना में बेचेगा उसको 60 रुपए में। क्यों 60 रुपए में, क्योंकि वो तो 40 रुपए का छूट दे रहा है ना इस पे शर्ट पे। अब देखिए अब क्या बोला, बोला कि जो शर्ट और पैंट मतलब जो शर्ट प्लस पैंट जो है उस पे वो कितना प्रतिशत का छूट दे रहा है 30% का, मतलब बेच रहा है 70% पे। तो अब देखिए तो शर्ट और प्लस पैंट का जो टोटल मूल्य कितना जाएगा 300 रुपए हो जाएगा। अब इस 300 रुपए पे जो है वो 30% का छूट दे रहा है मतलब 70% पे बेच रहा है, मतलब इसका अगर हम 70% निकाल देंगे तो वो एसपी पता चल जाएगा हमको। तो जो जो कैंसिल 2,0 यहां से 2,0 कैंसिल तो यहां पर आया कितना 27 मतलब 210 रुपए। अब देखिए यहां पे एक शर्ट का आपको पता चल गया 60 रुपए, शर्ट और पैंट का पता चल गया कितना रुपए 210 रुपए। तो अब जब शर्ट और पैंट का एसपी पता है 210 रुपए और एक शर्ट का जब पता है आपका कितना 60 रुपए तो क्या आप एक पैंट का भी निकाल सकते हैं। हाँ अगर हम क्या करें जो शर्ट प्लस पैंट से शर्ट को घटा लेंगे तो पैंट निकल जाएगा, तो पैंट क्या हो जाएगा 210 माइनस 60 कितना आ जाएगा 150 रुपए। तो एक पैंट का मूल्य कितना हो गया, एसपी कितना हो गया 150 रुपए। लेकिन देखिए एक पैंट का मूल्य कितना रुपए था 200 रुपए, मतलब क्या वो 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है 50 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है। देखिए तो आपसे पूछा क्या है कि तो पैंट पे दिया गया छूट कितना है, छूट कितना है देखिए यहां पे था तो 200 रुपए मूल्य, पैंट का मूल्य कितना था 200 रुपए था ना, और
लेकिन छूट के बाद कितना रुपए रह गया? वो 150 रुपए ही रह गया, मतलब 50% का वो छूट दे चुका है। तो जब 50% छूट दिया है तो 50 को ऊपर लिख लेंगे हम कितना पे, 200 रुपए पे, 200 को नीचे लिख लेंगे। और चूंकि प्रतिशत छूट बदलना है, प्रतिशत छूट में बदलना है, तो प्रतिशत के लिए 100 से हमेशा गुना, 2 से 2 जीरो यहाँ पे, 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 2 से बैठेगी ये 25 बार में, मतलब वो 25% का क्या रखा है, डिस्काउंट। ठीक है, पेंट पे कितना का जो पेंट है उस पर कितना का डिस्काउंट दिया है, 25% का। अरे दोस्तों ये भी समझ में आया होगा, आसानी है, कुछ हार्ड है नहीं। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझेंगे, आपका आंसर आसानी से निकल आएगा। चलिए दोस्तों, तो इस वीडियो का लास्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं कि क्या है। तो इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि किसी अलमारी को 2576 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। ठीक है, यदि इसे 100 रुपए कम में खरीदा होता, ठीक है, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता। देखिए सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 12% का लाभ हो रहा है ना, 12% का लाभ हो रहा है, मतलब कितना में बेच रहा है वो, 112% में बेच रहा है, 112% में बेच रहा है। और वो एक्चुअली में कितना में बेच रहा है, उसको एक्चुअली में कितना में बेच रहा है, 2576 रुपए में। तो एक्चुअली में वो 2576 रुपए में बेच रहा है, तो 112% कितना का बराबर है, 2576, दोनों का आपस बराबर कर लीजिए। ठीक है, तो एक्चुअली में जो मूल्य है वो कितना रुपए का है, 100%। हमेशा से बोलते हैं दोस्तों यही है, 100 आपस में खुद, जो कोई भी जो मूल्य होता है वो खुद में 100% का होता है। तो 100% बराबर कितना का हो गया, पता नहीं, ठीक है, पता नहीं, कुछ नहीं तो करना क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या जाएगा, 2576 × 100 ठीक है। अब इसका काटिंग कितना, 112 से, तो 112 से जब इसको भाग लाएंगे 2576 को, तो ये आएगा 23, काट के देख लीजिए 23 आएगा, तो कितना आएगा, 2300 रुपए। ठीक है, 2300 रुपए। लेकिन दोस्तों ये 2300, अब एक कंडीशन क्या बोल रहा है कि वो 2300 रुपए में नहीं खरीदा होता, अगर 100 रुपए कम में खरीदा होता, तो देखिए, तो अगर सिर्फ 100 रुपए कम में खरीदा होता तो कितना खरीदा होता, 2200 रुपए में। ठीक है, तो 2200 रुपए में खरीदा होता तो कितने प्रतिशत का लाभ होता। ठीक है, देखिए खरीदा कितना में खरीदता, 2200 रुपए में खरीदता, लेकिन बेचता कितना में, 2576 रुपए में। तो क्या करेंगे, 2576 रुपए में बेचता, और वो खरीदता कितना, 2200 रुपए में, घटा लेते 2200। तो ये जब कटेगा, सॉरी कटेगा नहीं, घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे, 673, मतलब 376 रुपए का उसको फायदा हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो अब जब इसको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं करना है, जो लाभ है लाभ को ऊपर लिखेंगे, 376 बट्टा किस पे लाभ हो जाएगा, 2200 पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2200। और प्रतिशत बदलना है उसके लिए क्या गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। ठीक है, 100 से अब काट लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो इधर कैंसिल हो गया। अब दोस्तों जब इसको काटेंगे ना तो आपका आंसर आ जाएगा 17.1/11। ठीक है, मतलब इतना प्रतिशत उसको क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो है मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। अगर ये आपको जितने जो भी क्वेश्चन मैंने आज इस वीडियो में कराया सारे के सारे एसएससी या रेलवे से थे, अगर ये आपको बहुत ज्यादा पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपको आसानी से उसके नोटिफिकेशन मिलते रहे और आपका तैयारी जो है वो अच्छा चलता रहे। थैंक यू।